जनपद मैनपुरी के कुसमुना में आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद मैनपुरी की जनता ठान चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना है। इस बार मैनपुरी की जनता बदलाव चाहती, यहाँ पूर्व में सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार सपा के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ध्वस्त करेंगे, क्योंकि जनता पहले ही मन बना चुकी है कि इस बार भाजपा प्रत्याशी को ही चुनना है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग निर्भीक होकर मतदान करें, अगर कोई भी मतदान में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने कहा कि पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादियों का नारा था कि खाली प्लॉट हमारा है। बड़े बड़े गुंडे माफिया आजकल तख्ती लटका कर घूमते नजर आ रहे हैं। आज माफियाओं की हालत खराब है। चुनाव मैनपुरी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। ये बदलाव का अवसर है, आपको निर्भय होकर मतदान करना चाहिए। मैनपुरी का इतिहास बदलना है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में एक भी बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। इस बार आप लोग कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। जोधपुर जी के दाइनार की सब लोग सराहना कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कमल प्रचंड आपकी जो भी डिमांड है पूरी तरह से चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार के संकल्प है। आपने मुझे अभी बताया है, हम जाकर के आज ही पत्रावली निकाल कर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके पॉजिटिवली काम। मैनपुर के लोग जो है कई दिनों से मांग कर रहे थे, इसको हम आपकी मांग को जायज मानते हैं, इसको पूरा करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।